में जानने वाले हैं कि मानसिक योग्यता परीक्षण का परिचय हम आज जानने वाले हैं कि वो कैसा होता है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक, तो ये परीक्षा हमारे दिमाग को चेक करती है कि हमारा दिमाग किसी प्रॉब्लम को चेक करने और सॉल्व में कितना एक्टिव है। तो ये जो होता है, ये परीक्षा मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होता है वो हम लोगों को ये बताता है कि हम लोगों का दिमाग कितना तेज है, दिमाग उसमें चेक करने में कितना तेज है कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है कि नहीं, उसको सॉल्व करने में वो कितना एक्टिव है, ये हम लोगों को पता चलता है। इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करने से हमारा दिमाग शार्प होता है। इस जैसे ये सब है इसका क्वेश्चंस, तो ये सब को सॉल्व करने से हम लोगों का दिमाग जो होता है वो शार्प होता है और कठिन से कठिन प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस सारे क्वेश्चंस को अगर हम लोग सॉल्व कर लिए तो कठिन से कठिन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि नवोदय का क्लासिक्स में प्रश्न परीक्षा 29 अप्रैल को है और इस परीक्षा में 80 में से 40 प्रश्न इसी टॉपिक से आते हैं। तो नवोदय में क्लासिक्स का पेपर होने वाला है तो उसमें 80 क्वेश्चंस होंगे और जिसमें से 40 क्वेश्चंस हम लोगों का मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ही होगा और इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है हम लोग को जानने के लिए। मैं शॉर्ट में ही बता देती हूँ इस प्रश्न का, ये प्रश्न कैसा कैसा होता है। तो सबसे पहला इसमें मेंटल एबिलिटी में आता है ऑर्मिन आउट, तो इसका हिंदी होता है भिन्न आर्थिक परीक्षण। तो इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं जिसमें से 3 एक जैसे होते हैं और एक उसमें से अलग होता है, वो ऑड होता है, वही हम लोगों का उत्तर होता है, आंसर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हम लोग को और इसमें से चार में से कोई एक ही पूरा एकदम सेम है, मतलब एक ही जैसा है और एक उसमें से अलग होगा, एक 3 ऑप्शन सेम होंगे और एक अलग होगा। जैसे कि ए हम लोग का एक स्टार है, बी हम लोग का एक घर है, घर में ही का शेप है, और सी हम लोग का एक गोला है और डी हम लोगों का एक ये शेप है। तो ये अगर हम लोग को इसमें से और ढूंढना होगा तो सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टार एक पूरी लाइन से बनता है, ये भी अगर हम लोग एक लाइन से बनाते रहे तो बन जाएगा, ये हाउस वाले भी एक लाइन से बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। अगर हम लोग गोले को लाइन से गोले को बनाना चाहें तो ये नहीं बनेगा, इसलिए ऑड हुआ। तो इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा सी, क्योंकि ये इससे नहीं मैच कर रहा है। तो दूसरा वे देखते हैं, तो ये एक गाड़ी बनी हुई, यहाँ पे एक बस, यहाँ पे ट्रक और एक बाइक, तो इसमें और ये बाइक होगा और ये बाइक और कैसे होगा ये जानते हैं कि गाड़ी में हम लोगों का 4 पहिए होते हैं, इसमें भी 4 पहिए होते हैं, बस में ट्रक में भी 4 पहिए होते हैं और इसमें ये 2 पहिए होते हैं, इसी वजह से ये ऑड है हम लोगों का। और दूसरा टॉपिक जो आता है वो होता है फिगर मैचिंग, तो समान आकृतिक परीक्षण। इस प्रश्न में इसमें जैसे कि ये क्वेश्चन दिया रहेगा उसके ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इससे जो इस 4 ऑप्शन में मैच करेगा वही इसका आंसर होगा। तो ये पहला क्वेश्चन ये वाला है तो इसका ऐसे तीर गया हुआ है, तो इसमें तो ये इसका उल्टा हो गया, ये ऊपर चला गया है और ये वाली भी ऊपर चली गई है इस साइड में और ये वाली इससे एकदम सेम मैच हो रही है, तो ये फिगर इससे इसका मैच हो रहा है, इसी वजह से इसका डी आंसर होगा। और ये वाला, तो ये वाला में भी हम लोगों को ये 4 ऑप्शन दिए, उसमें हम लोग को ढूंढना है, तो ए वाला भी मैच करो और बी वाला में ये देखें, ये पूरा फिगर तो बन गया है लेकिन ये वाला जो ये वाली लाइन है ये नीचे जानी है ना कि ऊपर, इसलिए ये ऊपर गया इसलिए ये भी नहीं आंसर। सी वाला तो टेढ़ा हो गया, डी वाला भी टेढ़ा हो गया, इसी वजह से हम लोग का आंसर ए ही होगा। अब जानते हैं पैटर्न कंप्लीशन, श्रृंखला परीक्षण। इसमें पता करना है कि अगले बॉक्स में क्या आएगा। तो जैसे कि एक पैटर्न दिया रहेगा, 4 बॉक्स रहेंगे उसमें से 3 ऐसे ऐसे पैटर्न करके दिए रहेंगे और उसके ये चौथे बॉक्स
बॉक्स में क्या आने वाला है वो हम लोगों को इसमें पता करना रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है ये वाला पैटर्न। तो ये वाला पैटर्न में क्या दिया हुआ है, प्लस इज इक्वल टू उस बात से मल्टीप्लाई का सिंबल, बस से दूसरे बॉक्स में दिया है इज इक्वल टू फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस उस बात से मल्टीप्लाई प्लस फिर इज इक्वल टू, और हम लोग को चौथे बॉक्स में ढूंढना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला हम लोग इससे इसका करते हैं, तो ये जो प्लस है इसको हम लोग को एकदम लास्ट में लेके जाना है, और फिर जो ये दोनों बचा है इसको हम लोग प्लस के सामने को इससे सजा देंगे, मतलब कि वहाँ पे लिख देंगे। तो प्लस गया इधर, फिर इज इक्वल फिर मल्टीप्लाई फिर इज इक्वल टू, तो इसी पैटर्न से हम लोग को इज इक्वल टू को लाना है यहाँ पे, उस वजह से इन दोनों को यहाँ पे लिख देना है। उस वजह से इसी जैसे हम लोग ने ये तीनों किया है वैसे हम लोग को इज इक्वल टू को यहाँ पे करना है, उस इसके बाद से सॉरी मल्टीप्लाई को यहाँ पे करना है, फिर इज इक्वल टू उस वजह से प्लस, तो इसका हम लोगों को कौन से ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। तो हम लोगों का ये सबसे पहले जाएगा मल्टीप्लाई और उसके बाद से इज इक्वल टू और फिर प्लस, तो ये हम लोगों का ए ऑप्शन मैच नहीं करेगा, और बी ऑप्शन मैच करेगा, सी डी नहीं करेगा, इसमें से एक ही ऑप्शन मैच करेगा, तो वो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और दूसरा जैसे कि यहाँ पे एक शेप बना हुआ है उसके ऊपर एक कट और फिर नीचे एक जीरो बना हुआ है, उस बात से अगले बॉक्स में क्या वो ऊपर जीरो आ गया और फिर नीचे कट आ गया, फिर उसके अगले में ऊपर कट आ गया फिर नीचे, तो इसके बाद वाला आंसर क्या होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं पहले कट फिर जीरो, उस वजह से इसका उल्टा हो गया अपोजिट हो गया, तो जीरो यहाँ ऊपर आ जाएगा कट नीचे आ जाएगा, तो फिर इसी का अपोजिट इसका हो गया, कट ऊपर आ गया जीरो नीचे चला गया। तो अगर हमको इसी का अपोजिट करना हो तो हम लोग को एक शेप बनाएंगे, उससे ऊपर जीरो हो जाएगा और नीचे कट हो जाएगा, तो ये आंसर हम लोग का भी मैच करता है। उस बात से चौथे नंबर पे आता है फिगर सीरीज कंप्लीशन, आकृति पूरी करना। इसमें एक पूरा फिगर दिया रहेगा जिसमें से उसका एक टुकड़ा हम लोगों को उसमें जोड़ना रहेगा। जैसे कि पहला ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन में ये तीन भाग जुड़े हुए हैं, हम लोगों को एक भाग इसमें जोड़ना है, वो कौन सा भाग है वो हम लोग को इन चार ऑप्शन में से देख के भरना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, तो इसका ये अगर हम लोग करेंगे तो ये पॉइंट पॉइंट मैच नहीं करेगा और ये इधर का सिंबल हो जाएगा, तो ए हम लोगों का नहीं मैच कर रहा है, बी भी नहीं मैच करेगा, सी अगर यहाँ पे बिंदु होता तो यहाँ पे वो मैच कर जाता है, लेकिन डी मैच करेगा क्योंकि हम लोग को ऊपर वाले का सेम हम लोगों को नीचे ले आना है, तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे ला के जोड़ देंगे तो ये हम लोगों का आंसर बन जाएगा, तो इसलिए पूरा फिगर बन जाएगा, तो इसका आंसर होगा हम लोगों का डी। और ये वाला क्वेश्चन में हम लोग को सेम क्वेश्चन में ऐसा फिगर हम लोग को नीचे में ले आना है, तो ए वाला देखते हैं, ए वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग को एक ही में इसको जोड़ के ले आना रहेगा, और यहाँ पे नीचे एक लाइन खींच गई है जिसकी वजह से वो अलग अलग में पार्ट में हो जा रहा है, इस वजह से ए नहीं है। बी का तो पूरा डायग्राम ही चेंज हो गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे बल्ब टाइप पे बन गया जो कि हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को ऐसा चाहिए। और सी में ये गोला जो था हम लोगों का ये कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, और डी वाला में सेम टू सेम इसका ऐसे बन रहा है, तो इसका आंसर डी होगा। और फिर पांचवे में आता है एनालॉजी, तो इसमें संख्यता परीक्षण, इसमें हम लोगों को जैसे कि ये दिया हुआ है तो इसके बाद इसके अगले वाले ब्लॉक में क्या आने वाला है यही हम लोगों को इस पर देखना है। इसमें भी चार ऑप्शंस दिया हुए हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में तीर ऊपर गया है और गोला नीचे है, इन तीनों को ही देख के हम लोग को ये चौथा आंसर ले आना, ये याद रखिएगा। और फिर ये तीर उल्टा हो गया है तो इसका नीचे वाला गोला ऊपर चला जाएगा, उसके बाद इसी की तरह में नीचे गोला नहीं है यहाँ पे और ये तीर ऊपर गया है, तो जैसे कि इसमें तीर ऊपर गया तो फिर नीचे आया, तो इसमें भी तीर ऊपर जाके नीचे आएगा, इसका आंसर डी होगा क्योंकि ए तो होगा नहीं क्योंकि दोनों साइड में तीर नहीं चाहिए, और ये वाला मैच करेगा, लेकिन हम लोग को फिगर मैचिंग तो नहीं करनी है ना, इसलिए हम लोग को इसको पूरा बनाना है, इस वजह से ऊपर जाए इसलिए ये भी आंसर नहीं है, और ये इसमें तो तीर नहीं दुबी हुई है, और डी वाले में उसको हम लोग को नीचे ले जाना, इसलिए डी इसका आंसर होगा। और इस वाले में ऐसे एस टाइप बना हुआ है और ये ऐसे ऊपर टाइप में जा रहा है और ये
में जा रहा है। इसी तरीके से ये ऐसे में नीचे साइड में जा, अब हम लोग को इसको ऐसे ऊपर वाले में ले आना है। तो जैसे कि ये वाला, ए वाला देख सकते हैं आप लोग, ए वाला इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों साइड एरो है, हम लोग को दोनों साइड एरो नहीं चाहिए। और ये उल्टा चला जा रहा है और फिर और इसमें दोनों एरो भी है, ये भी हम लोगों को नहीं चाहिए। और इसमें एरो नहीं दी हुई है। और डी वाले में उसका उल्टा, मतलब इसका उल्टा दिया हुआ है एरो, हम लोग को ऊपर चाहिए थी, इसलिए डी वाले इसका आंसर हुआ। और अब सिक्स वाला इसका टॉपिक जानते हैं। सिक्स वाला होगा ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। इसमें वर्ग पूरा करना रहता है, जैसे कि ये एक पूरा फिगर दिया रहेगा, उसमें का एक भाग, एक टुकड़ा हम लोग को उसमें जोड़ के उसको पूरा फिगर कंप्लीट करना रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक गोला बने हुआ, उसका एक पार्ट हम लोग को इसमें जोड़ना है। तो अगर हम लोग ए वाला उठा के ले जाए तो ये वाला हमको ये साइड नहीं चाहिए, अगर इसका उल्टा होता तो लग जाता, लेकिन हम लोग को ये नहीं है। ये वाला भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा क्योंकि ये उल्टा है और ये ऊपर के साइड में गया हुआ है, इसलिए ये दोनों नहीं लगेगा। और डी वाला मैच होगा क्योंकि हम लोग को नीचे साइड का ऐसे चाहिए था, ये नीचे साइड वाला है, इसलिए हम लोग का आंसर डी होगा ये। और इसमें हम लोग को एक फिर से एक शेप बनानी है, तो इसका आंसर होगा हम लोगों का, चेक करते हैं, ए वाला। ए वाला तो नीचे चला जा रहा है, ये ऐसे ऐसे बन जाएगा जो हम लोग को नहीं बनाना है। और बी वाला, बी वाला, बी वाला तो हो जाएगा मैच। आप लोग बोलोगे डी वाला मैच नहीं होगा क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही इस शेप से बहुत छोटा और बहुत लंबा चला गया है, इसलिए वो ये इसमें जुड़ेगा नहीं। सी वाला नीचे चला गया, नीचे हम लोग को ले नहीं जाना है, इसलिए इसका आंसर होने वाला है बी। और सातवां जानते हैं मिरर इमेजिन। मिरर इमेजिन अब हम लोग जानते हैं, इसका सातवां टॉपिक है, मतलब कि एक फिगर दिया रहेगा, अगर हम लोग उसको मिरर में देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, वो हम लोग को ऐसे पता करना रहता है। जैसे यहाँ पे एक्स वाई दिया है तो इसके अपोजिट, मतलब इसके मिरर में हम लोग को कैसा दिखेगा। तो ए वाला देखो, ए वाला हम लोग को ना कि ऊपर नहीं चाहिए ना कि नीचे चाहिए, तो हम लोग को नीचे वाला चाहिए, ऊपर नहीं चाहिए। और बी वाला देखो, बी वाला में अगर हम लोग अगर मिरर में देखेंगे इसको तो ये इसको उल्टा है, लेकिन ये बी वाला ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आप इसका गोला देख सकते हो, बहुत गहराई तक गया और इसमें इतने में ही है, इसमें ये ऐसे नहीं है। और डी वाली, डी वाली ऊपर गई हुई है, इसलिए डी भी आंसर नहीं। इसका आंसर सी है क्योंकि ये एकदम इसके मिरर में अगर आप उस चीज़ को देखोगे वो एकदम उस चीज़ की अपोजिट आएगी, तो इसका आंसर होने वाला है सी। और इसमें हम लोग का झंडा बना हुआ है, यहाँ पे एक मिरर है, अगर हम लोग इसके मिरर में देखेंगे तो सेम टू सेम इसके अपोजिट आने वाली है, तो इसकी ये तो हम लोग को ऐसे दिखेगा नहीं, ये तो एकदम पूरा सीधा सीधा हो गया और डी वाला उल्टा हो गया जो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग का सी आंसर एकदम परफेक्ट होगा क्योंकि ये इसका उल्टा दिख रहा है। और आठवां टॉपिक है जो पंच बोर्ड पैटर्न, इसका होने वाला है मतलब कागज काटना। इसमें एक पूरा पेपर दिया रहेगा जिसको हम लोगों को इस क्वेश्चंस के हिसाब से काट काट के उसको फिर खोलने में वो कैसा दिखेगा। तो एक पेपर लिया इन्होंने और फिर उसको पहले ऊपर के साइड मोड़ लिया, ठीक, ऊपर के साइड मोड़ लिया, फिर इसको ऐसे मोड़ के वैसे टेढ़े साइड में से मोड़ दिया है। तो इसका जब इसको खोलोगे तो फिर ये कैसा दिखेगा वो हम लोग को जानना है। तो हम लोग को एकदम पूरा सीधा सीधा तो चाहिए नहीं, ये अगर हम लोग का ये टेढ़ा टेढ़ा हो जाए ये आंसर होगा नहीं, और हम लोग ने ऐसे ऐसे नहीं किया था जिसकी वजह से ये डी आंसर नहीं है, हम लोग का आंसर बी करेक्ट है। और ये वाली, तो सबसे पहले एक पेपर को हम लोग ने ऊपर साइड मोड़ा, फिर दूसरे साइड में मोड़ा, इस साइड में, उसके बाद से नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग ने काट दिया, तो फिर खोलने पर ये ऐसा तो बनेगा नहीं। और ये हम लोग ने किनारे से काटा नहीं था जिसकी वजह से ये ऐसा नहीं बनेगा। और ये वाली तो एकदम सीधी सीधी हो जा रही है जिसको हम लोग सीधी नहीं काटी थी, और इसका आंसर होने वाला है डी, मतलब इसका आंसर डी है। अब स्पेस वेजुलेशन, स्पेस वेजुलेशन आकृति निर्माण, इसमें हम लोगों का एक पूरा, मतलब कि एक पूरा फिगर दिया रहेगा और उसमें थोड़ी थोड़ी गैपेज रहेगी, मतलब इसमें फिगर के पार्ट्स दिए हों उसको जोड़ कर हम लोग को पूरा एक फिगर बनाने रहेगा। तो अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे ये फिगर तो बनेगा नहीं क्योंकि इसका अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को ये नहीं बन पाएगा। और बी वाले में ऐसे ऐसे हो जाएगा जो हम लोग को ऊपर साइड में ऐसे ऐसे नहीं है, नहीं तो फिर ये ऐसा बन जाता। और डी वाला ऐसे ऐसे हो जा रहा है, नहीं तो
फिर ये ऐसे ऐसे होता तो ये बन जाता, लेकिन इसका ऐसे ऐसे होगा क्योंकि अगर हम लोग ऊपर से इसको ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो कुछ इस टाइप में और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी करेक्ट है। और ये वाली आंसर तो सबसे पहले पहला देखते हैं, इसका ये पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया, ये इसका आंसर नहीं है। और डी वाले देखो, डी वाली भी एकदम करेक्ट नहीं है, इसके अंदर का भी बन गया जो हम लोग का अंदर का नहीं चाहिए। और सी वाली भी इसके आंसर नहीं, इसके आंसर बी है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे टेढ़े टेढ़े में गई और हम लोग को चाहिए एकदम सीधी लाइन, तो इसकी आंसर बी होगी। और दसवां एम्बेबेड फिगर, इसमें हम लोगों सेम इसका कहाँ पे इस आंसर में ये फिगर छुपा हुआ है, तो जैसे कि हम लोग ए नंबर में देखते हैं, ए नंबर में इसका पूरा फिगर चेंज हो गया, ये इसका नहीं है। और सी नंबर में इसका फिगर तो है, सेम चल रहा है, लेकिन ये जो इसका ये वाली है ऊपर वाली पार्ट, ये उल्टी साइड में हो गई, इसी वजह से ये नहीं है। डी वाले में भी इसका फिगर नहीं है, और बी वाले में जैसे कि देखो ये इसका पूरा सही है, और इस बॉक्स में लोग चार बॉक्स और डाल दिए हैं, और इसमें बस लोग ऐसे ऐसे बना दिए हैं, लेकिन हम लोग का आंसर बी होगा क्योंकि इस बॉक्स के अंदर बना है, हम लोग का फिगर तो मैच कर ही रहा है। अगर हम लोग बॉक्स को हटा देंगे, इसके अंदर वाले बॉक्स को और ये दो सिंगों को, तो फिर ये हम लोग का सेम टू सेम फिगर ऐसा बन जाएगा, इसलिए बी आंसर हम लोगों का करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये वाला सिंबल है, तो ये वाला सिंबल हम लोग को खोलना है इसमें। तो ए नंबर में देख लो, ए नंबर में ये हम लोग का, अगर हम लोग इसको ऐसे खींच के बनाएंगे तो ये हम लोगों का यहाँ पे ये वाला फिगर पे नहीं बन पाएगा क्योंकि इसके अंदर ये छुपा नहीं, टेढ़ा हो जा रहा है। और बी नंबर में ये उल्टा हो जा रहा है, देखो कि जैसे कि यहाँ पे इसका ये लाइन है, ये इस साइड गया हुआ है ना कि इस साइड, अगर इस साइड गया होता तो ये इसका ये आंसर हो गया होता। और सी वाले में जैसे कि आप लोग देख सकते हो सेम टू सेम ऐसा ही ये बन रहा है, और डी वाले में तो पूरा फिगर ही ख़त्म हो गया है। तो इसमें ये जो 10 क्वेश्चन है, ये हम लोग का मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आता है, अभी तो मैंने शॉर्ट में बताई है, और इसको जो फर्स्ट से पूरा मैं पूरा अच्छे से अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। तो आज के लिए बस रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।